और अब बात करेंगे सर्दी के सुपर अटैक की। दिल्ली में पारा लगातार गिरता जा रहा है। नए साल में एक हफ्ते में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। पारा 2 डिग्री से भी नीचे रिकॉर्ड किया जा चुका है। हालांकि आज के पारे में थोड़ा सुधार जरूर है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो अगले 2-3 दिन तक मुसीबत वाले हो सकते हैं। 2 जनवरी टूटा रिकॉर्ड, 4 जनवरी 2.7 डिग्री, 6 जनवरी 1.9 डिग्री। जम जाएगी राजधानी। नया साल शुरू हुआ कि जैसे ठंड ने अपने हाथ पांव पसार लिए और इस कंप कपाती ठंड में बेहाल हो गए लोग। हर दिन पिछले दिन से ठंडा होता जा रहा है। हर दिन कंप कपाती ठंड से लोगों की जिंदगी बेहाल होती जा रही है। सर्दी के सुपर अटैक ने दिल्ली में तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कम तापमान के साथ साथ घना कोहरा भी अपना असर दिखा रहा है। लगातार ट्रेनें और विमान रद्द और लेट होते जा रहे हैं। जाहिर है मौसम किस मिजाज से सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को झेलनी पड़ रही है। बच्चों के लिए राहत की बात यह है कि दिल्ली के स्कूल 12 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। राजधानी में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। उपासना पक्षी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। और पूरे उत्तर भारत में ठंड का कोहराम लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। दूसरे इलाकों में भी शीतलहर और कोहरे से लोग बेहाल हैं। कहीं पारा माइनस में गोते खा रहा है तो कहीं शून्य तक पहुंच चुका है। हम आपको दिखा रहे हैं 6 अलग अलग शहरों की तस्वीरें। दिल्ली, कानपुर, भोपाल, पुंछ, हिसार और गोरखपुर, सभी जगह सर्दी का सितम जारी है। कहीं ठंड ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं तो कहीं ठंड रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। ट्रेनें चाहे तो रद्द हैं या फिर लेट चल रही हैं। विमानों से सफर करना भी इस वक्त मुश्किल हो रहा है। कुल मिलाकर कहें तो ठंड से सबका हाल बेहाल है। हवाई और रेल यातायात पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है इस ठंड का। कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं और कई घंटों देरी से अपने निर्धारित स्टेशन पर पहुंच रही हैं। कई फ्लाइट्स घने कोहरे के चलते कैंसिल कर दी गई हैं, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सर्दी में चंडीगढ़ का क्या कुछ हाल है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सत्येंद्र। हिमाचल में हुई बर्फबारी के बाद हिमाचल का तापमान माइनस में चला गया है। ये बात समझ में आती है और लाजमी भी है, लेकिन अगर हम हरियाणा और पंजाब के तापमान की बात करें तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। हरियाणा के हिसार, रेवाड़ी और नारनौल तीनों ही शहर ऐसे हैं जहां का तापमान फिलहाल माइनस में पहुंच चुका है। फिलहाल नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये नेशनल हाईवे है जो लुधियाना, पठानकोट, जम्मू और अमृतसर को जाता है। यहीं से आप अगर दिल्ली से होते हुए आपको मनाली जाना है तभी भी आपको इस हाईवे से ही जाना पड़ेगा। नजारा आप देख सकते हैं, कोई भी वाहन ऐसा नहीं है जिसको बिना लाइट जलाए हुए यहां से निकलना पड़ रहा है। वजह बिल्कुल साफ है, घने कोहरे की चादर आप देख सकते हैं और बिल्कुल कोहरे के साथ साथ तापमान भी कहीं ना कहीं अपनी जो है रिकॉर्ड को छू रहा है। अगर चंडीगढ़ की ही बात करें तो बहुत ज्यादा तापमान नीचे जा चुका है, कहीं ना कहीं पिछले कई सालों को रिकॉर्ड को तोड़ रहा है तापमान। अगर मौसम विभाग की ही बात करें तो मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 1-2 दिन कहीं ना कहीं जो तापमान अभी तक बना हुआ है इससे ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं ठंड लोगों को परेशान करेगी। हालांकि आज चंडीगढ़ प्रशासन ने अभी तक जो है 7 तारीख तक जो है स्कूलों की छुट्टियां की हुई थी, लेकिन जिस तरह का मौसम और तापमान बना हुआ है उसे देखते हुए प्रशासन को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा और छुट्टियों को बढ़ाया जा सकता है। अमूमन यही हाल हरियाणा और पंजाब का भी है जहां पर सर्दी अपना रिकॉर्ड बना रही है और स्कूलों, दफ्तरों या फिर कहीं भी जाने वाले आदमी हो, हर किसी को सर्दी परेशान कर रही है। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। और चंडीगढ़ के बाद रुक करेंगे पटना का। पटना में ठंड का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुजीत। पटना में ठंड से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। मेरे बाईं ओर आप देखिए गांधी मैदान है, कुहासे से पूरी तरह से ढका हुआ है। सड़कों पर वाहन कम चल रहे हैं। तापमान देखा जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम दर्ज किया गया है जो पिछले 9 वर्षों में सबसे कम है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पटना के लोगों का ठंड से
क्या हालत है अभी। बाकी जगहों की बात करें तो पूरे बिहार में ठंड का असर देखा जा रहा है। सबसे कम तापमान दरभंगा का रिकॉर्ड किया गया है 2.4। इसको देखते हुए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने पूरे प्रदेश के जो प्राथमिक स्कूल हैं उसको बंद कर दिया है 9 तारीख तक। हालांकि सीनियर विंग अभी भी खुले हुए हैं लेकिन उनके टाइम को परिवर्तित कर दिया गया है। सुबह 9 बजे से स्कूल चल सकते हैं दिन में 2 बजे तक। धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, जो भी धूप निकलती है उसमें तेजी काफी कम है। मौसम विभाग का कहना है कि केवल 35% सूरज की किरणें आर्द्रता की वजह से पृथ्वी पर पहुंच पा रही है जिससे गर्मी का कोई एहसास नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो ठंड का असर है वो आम जनजीवन पर पड़ रहा है, रेल पे पड़ रहा है। रेल जो है 39 घंटे से लेकर 4 घंटे तक की देरी से चल रही है। इस कुहासे में विमानों का उतरना भी काफी मुश्किल हो रहा है। काफी मुश्किल से विमान पिछले 3 दिनों से जो ठंड का डबल अटैक हुआ है उसके बाद से उतर रहे हैं यहाँ पर। तो जो हालात है यहाँ पर काफी ठंड से ठिठुराने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2-3 दिनों तक यही हालात बने रहेंगे पटना में और पूरे बिहार में। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना आज तक।